ना। चार्जर देना यार। गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा, कैसे हो? अच्छा सर, आप कैसे? अच्छे हैं बेटा? कैसी पढ़ाई चल रही? अच्छा, अच्छा कहाँ है सब रे? सर फोर भी आ रही है। सर आप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए। डाला हूँ मैसेज, नहीं लिंक का नहीं, ज्वाइन होने का, ज्वाइन फास्ट ऐसा डालते हो ना आप, वैसा। क्या पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में? सर एक क्वेश्चन लिया। वर्क का ग्राफ निकाला था और वर्क का क्वेश्चन लिया था, मतलब वर्क निकालना था। यार पूरी बहुत लेट करती है भाई, समझ नहीं आता।
अभी तक नहीं आई। सर मैं कब से ज्वाइन करके बैठी थी, लाइट चली गई थी बीच में। कौन सर क्लास लिए बेटा? नहीं ना, बुलाए 7 बजे किसे? मुझे? हाँ लेक्चर लेंगे, घर पे बुलाए अपने। मैं नहीं जा सकती, मेरा 7 बजे क्लास है। कुछ भी टाइमिंग देंगे तो कैसे जाऊंगी? क्वेश्चन किए हो आप लोग जितना पढ़ाया हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स में? अब अगला चैप्टर कौन सा लोगे आप? अभी तो थर्मोडायनेमिक्स ही 2-3 टॉपिक बचा है। हाँ नहीं, अगला चैप्टर कौन सा? आप लोग बोलो। 11 तो खत्म हो जाएगा ना फिर? 11 तो खत्म हो जाएगा। कुछ तो 12th के लास्ट चैप्टर्स ले लो ना। कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स लीसेस है। हाँ वही बोल रहा था, मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। हाँ पहले मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिए सर। हाँ सर पहले मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिए। स्कोरिंग स्कोरिंग है। हाँ यार तुम लोग प्रॉपरली चलने दो तब तो सबसे बड़ा दिक्कत है। कभी साथ प्रॉपरली क्लास चलने दो तब तो कुछ ले, कभी 7 बजे कभी 6 बजे कभी कुछ भी नहीं, यही चल रहा है। 2 दिनों से क्लास नहीं हुई सर। अब मेरी गलती क्या है? कल तो खैर मान लो कि मेरी थोड़ी सी मतलब बेब था। परसों दिन तो आप लोग खुद ही नहीं आए ना सर? आए थे। एक तुम कितना बजे आया था? 6-8 कुछ तो भी। तब वो नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। सर आपको 20 Mbps है ना मतलब वाईफाई? हाँ हाँ। तो आपको मोबाइल में कितना MB पर सेकेंड आता है मतलब पर सेकेंड? हाँ KB में नहीं आता क्या? वो सब नहीं देखते भाई, इतना टाइम नहीं। वो हमारे इधर KB में आ रहा है इसलिए थोड़ा कंप्लेंट किया। अचानक से ना बंद हो जाता है, लेक्चर मिस हो जाता है उसकी वजह से। तुम लोगों को एडियाबेटिक का 3 इक्वेशंस बताया हूं, एडियाबेटिक इक्वेशंस, प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर में रिलेशंस बताया हूं। यस सर, यस सर। चल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बताया हूं ना। रिवर्सिबल किसे कहते हैं? जितना एनर्जी जिस स्टेप से फॉरवर्ड जाए उतना ही स्टेप उतना ही एनर्जी से रिवर्स आए, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस लिखो किसे कहेंगे? जिस पाथ से वह जाएगा उसी पाथ से रिटर्न आएगा विद द सेम कंडीशन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। बट रियल लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। लिखिएगा सर, रिपीट कीजिए ना। हाँ लिखिएगा, व्हेन एनी प्रोसेसेस फॉलोज, when any processes follows exactly the same path
in both the directions. Exactly the same path in both the directions. It is known as reversible process. ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी पाथ को सेम कंडीशन के साथ फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. क्वासी फ्लूइड भी है ना सर. क्वासी क्वासी फ्लूइड भी होता है ना, ऐसा हम पूछ रही है. प्लाज्मा कुछ तो बोलते बायो में सुना था. फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है. वेरी स्लो प्रोसेस है. क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है. इसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वह क्या होता है, एवरी लेयर में सेम होता है. क्या होता है? वेरी मान लो इसमें हीट एनर्जी दे रहा है, यह लेयर फर्स्ट है या लेयर सेकेंड है, तो चेंज इन टेम्परेचर इन दिस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन दिस. यह क्या वेरी स्लो प्रोसेस है. क्या वेरी स्लो प्रोसेस है. लिखिएगा लिखिएगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कंसीडर टू बी वेरी स्लो. कंसीडर टू बी वेरी स्लो सो दैट so that temperature change in one layer should be same as that of the other layer. That of the other layer. That of the other layer. Is called quasi static process. एक लेयर में जो टेम्परेचर चेंज होगा वही सेकेंड लेयर में होगा. यह quasi static वेरी स्लो प्रोसेस है. लिखेगा साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? वह प्रोसेस जिसका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग बोथ आर सेम. लिखिएगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. सॉरी साइक्लिक प्रोसेस. व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ एनी प्रोसेस रिमेन सेम is called क्या कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस. दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. वर्क डन क्या होता है, अरे सॉरी इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जीरो. हो गया.
हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए आगे लिखिए, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Drawback of first law thermodynamics. First law पहला drawback क्या होना चाहिए? कहता है कि cyclic process में टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन क्या होता है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। तो इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेट हीट ट्रांसफर इन साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। सेकंड में यह कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देता है। तो लिखिएगा, इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट प्रोवाइड Sir, please फिर से बताइए ना। In the first law of thermodynamics, does not provide the direction of flow of heat. In first law of thermodynamics, does not provide the direction of flow of heat. हो गया। यस सर। इसका मतलब फर्स्ट लॉ को क्या लगता है कि ड्रॉबैक है, तो फिर नया लॉ लाना पड़ेगा और उसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ का जितने भी ड्रॉबैक हैं, उसको दूर करने के लिए जो लॉ डिफाइंड हुआ उसी को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक पहला क्या है कि इस दुनिया में साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कि हम किसी एनर्जी या किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, जितना देंगे टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? तब वह डिस्ट्रीब्यूट होगा इन डिफरेंट फॉर्म। कि मतलब किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो काम करेगा और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा या एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितने हैं दो। पहला केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट लिखेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान दीजिए, लिखेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए second law of thermodynamics, second law of thermodynamics कितने हैं बेटा? दो। कौन? केल्विन
प्लांक्स स्टेटमेंट और सेकंड क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या कहता है इस दुनिया में कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसका एफिशिएंसी कितना हो 100% है नो 100% एनी हीट इंजन एची मतलब हीट इंजन कैन फॉर्म फिच एफिशिएंसी बिकम 100% कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ केल्विन प्लैंक्स का हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट यह कहता है कि हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल डिवाइस मतलब एक वर्ड लास्ट में उन्होंने जोड़ दिया कि अगर एक्सटर्नल डिवाइस हम लगा दें तो हीट विल फ्लो फ्रॉम लो टू हाई जैसे फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर एसी या फिर AC. पानी जैसे पानी अर्थ के अंदर रहता है उसको खींच के ऊपर लाते हैं तो कैसे लाते हैं अपने से आ जाता है नहीं नहीं उसको मोटर लगा लेकिन ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो क्या अपने से नहीं चला जाता है हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो बट लो टू हाई फ्लो कराने के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइस का होना जरूरी और वही कौन करता है एनर्जी ना डिवाइस में एनर्जी बोले डिवाइस तो क्लॉसियस स्टेटमेंट किसे कहते हैं लिखो हीट कैन नॉट बी फ्लो हीट कैन नॉट बी फ्लो हीट कैन नॉट बी फ्लो From low temperature body to high temperature body. Heat cannot be flow from low temperature body to high temperature body. Heat cannot be flow from low temperature body to high temperature body without any external device. Without any external device. क्लॉसियस स्टेटमेंट रिवर्सिबल सिस्टम होता है रिवर्स सिस्टम होता है और यह फॉरवर्ड सिस्टम होता है ये पॉजिटिव वर्क देता है और नेगेटिव वर्क होता है कैसे होता है भाई ये देखते हैं एक एक करके समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ही क्वेश्चन रहते हैं इंजन से ही क्वेश्चन रहते हैं ध्यान देना लिखेगा एप्लीकेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एप्लीकेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट हीट इंजन देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए यहां पे सोर्स होता है सोर्स मतलब अगर बाइक की बात करें तो पेट्रोल मान लो जहां के टेम्परेचर हाई होता है यहां से बर्न होके हीट एनर्जी आता है इसको कहते हैं डी क्यू एस एस मतलब सप्लाई समझ में आ रहा है अब यह इंजन है इंजन क्या करता है काम करता है यह क्या हीट इंजन यह क्या करेगा काम करेगा कौन सा काम करेगा एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचा देगा बाइक समझ रहे हो ना
बाइक में क्या होता है, पेट्रोल होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होके वो इंजन के पास जाता है, इंजन क्या करता है आपको सीबीएस से कहां पहुंचा देता है, आपके घर, मतलब काम कर देता है, और रेस जो एस है धुआं है उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, जिसको कहते हैं सिंग, जिसका टेम्परेचर टीएल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, बाहर फेंक देता है, बाहर फेंक देता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इतना हीट दिया जा रहा है, कितना हीट दिया जा रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, और फिर रिजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, क्लियर हुआ, हेलो, हाँ लेकर आ जाओ ना फिर।